बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं रूह इंसान। आज का हमारा टॉपिक है, जब रिज़्क़ का कोई रास्ता ना निकले और गुरबत से तंग आ जाओ तो ये एक काम करना। इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदों को दरसे इखलाक दे रहे थे। इतने में आप फरमाने लगे, ऐ लोगों, जब तुम दुनियावी मुफलसी से तंग आ जाओ और रिज़्क़ का कोई रास्ता नज़र ना आए, परेशानियां बढ़ने लगें, मुसीबतों में फंसने लगो, तो सदका देकर अल्लाह से तिजारत कर लो। तो नवासा रसूल इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम ने कहा, जो इंसान सदका देता है तो अल्लाह उसकी तमाम मुसीबतों को उसकी ज़िंदगी से मिटा देता है। तो किसी ने अर्ज़ किया, ऐ नवासा रसूल, अगर दामन में इतनी वसत ना हो कि सदका दे सकें, तो इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सदका सिर्फ किसी चीज़ के देने को नहीं कहते, बल्कि अल्लाह की मखलूक को खुशी पहुंचाने को कहते हैं। याद रखना, जो इंसान अपने दामन में इतनी वसत नहीं रखता कि वो किसी इंसान को सदके की नियत से खाना खिला सके, तो वो ये न सोचे कि वो किसी को सदका दे नहीं सकता, क्योंकि किसी इंसान को देखकर मुस्कुराना भी सदका है, किसी इंसान को माफ़ करना भी सदका है, किसी इंसान को अच्छा मशवरा देना भी सदका है, अपने माँ बाप के साथ कुछ वक्त मोहब्बत के साथ गुजारना भी सदका है, अपनी औलाद को अच्छी नसीहत करना भी सदका है। आए बंदाए खुदा, अल्लाह हर उस इंसान की तमाम मुसीबतों को ख़त्म कर देता है जो अल्लाह के किसी भी बंदे को खुशी देता है, क्योंकि जब कोई इंसान अल्लाह के किसी बंदे को खुशी देता है तो अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि इस मेरे बंदे की तमाम मुसीबतों को ख़त्म कर दो, और जैसे ये मेरे बंदों को खुश रखना चाहता है वैसे ही वो तमाम खुशियां उसे दे दो ये जो अपने लिए चाहता है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल रूह इंसान सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।